हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माय मेडिकल टॉक्स, जहां हम डिस्कस करते हैं मेडिकल डेलिब्रेशंस और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को, सो दैट आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड बेसिक अवेयरनेस हो सके। एंड एज वी ऑल नो, इन टुडेज सिनेरियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट सम बेसिक मेडिकल नॉलेज, सो दैट यू कैन प्रिवेंट सम डैमेजेस, यू कैन करेक्ट सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स जो आपको अपनी डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। एटलीस्ट यू शुड नो आपको दिक्कत क्या है, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीवर हेल्थ के बारे में। लीवर को आप कैसे डैमेज कर रहे हैं, लीवर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े इन फ्यूचर। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लीवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, लाइक वाइटल फंक्शंस, हमारी बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं इसके लिए लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स इट हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट योर फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड स्टोर्स द एनर्जी। वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मीन्स आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, फिल्टर करता है जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम को प्यूरीफाई करता है, फिल्टर करके जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिन्स है, उनको रिमूव करता है। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम को मॉनिटर करता है, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, ये इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है, फिर लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको प्यूरीफाई करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में आपके सप्लाई करता है। बहुत अच्छी बात यह है कि लीवर को बचाने के लिए, इसको डैमेज से बचाने के लिए सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी होता है, ना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होंगी, कुछ आदतों को सुधारना होगा और उनको चेंज करना होगा, दैट्स इट। आज की डेट में लीवर डैमेज का रीज़न सिर्फ अल्कोहल नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। सो फर्स्ट रीज़न है लीवर डैमेज का, सबसे पहला रीज़न है ओबेसिटी, यानी मोटापा। मोटापा और फैट डिपोजिशन, आपकी डाइट और अनहेल्दी डाइट से जो फैट डिपॉजिट होता है लीवर के अंदर, फैट इकट्ठा होता रहता है, उसकी वजह से फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस हो के लीवर ख़राब हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि लीवर और किडनी जैसे ऑर्गन हमारी बॉडी में जब तक 75%, 85%, इवन 90% तक भी अगर नहीं ख़राब हो जाते, तब तक आपको कोई सिम्टम, कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इनका छोटा सा हिस्सा भी काम करने के लिए काफ़ी होता है। सो लीवर ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अनहेल्दी वेट है, फैट ज़्यादा है, तो मानो या ना मानो ये चीज़ आपके लीवर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी ही करेगी। नंबर टू रीज़न है आपके पेन किलर्स। जी हाँ, जो पेन किलर्स आप रेगुलरली लेते हैं, आप जो खाते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल है, ब्रूफिन है, क्रोसिन है, निमोसलाइड्स हैं, एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, एनएसएड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ये ना सिर्फ आपको गैस्ट्राइटिस करते हैं, आपके स्टमक में एसिड बनाते हैं, बल्कि आपके लीवर को भी ख़राब करते हैं। इसलिए इनके प्रोलॉन्ग यूसेज को अवॉइड करना चाहिए। ये मेडिसिंस आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। So what you can do is avoid painkillers or steroids, maintain healthy weight, avoid abnormal weight gain, patle rahein. Zyada carbohydrate, fat mat lijiye, weight kam karne ke liye focus on your calorie intake specifically. And the third biggest reason is alcohol. Ek bar alcohol lene se liver nahi kharab hota hai, occasionally alcohol intake se liver nahi kharab hota hai, but yes, long term aapka intake se definitely hota hai. बहुत हैवी ड्रिंकिंग से या गलत क्वालिटी से, सो येस, अल्कोहल इज़ अ बिग रीज़न। नेक्स्ट फोर्थ इज़ योर वायरसेस, लाइक आपके वायरसेस जो आपके लीवर को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन है, हेपेटाइटिस बी और सी बहुत खतरनाक होते हैं, लीवर को ख़राब कर सकते हैं। इनमें भी बहुत काफ़ी हद तक लोग जो है वो रिकवर कर जाते हैं, पर 25-10% जो लोग हैं उनमें लीवर ख़राब होने के, लीवर कैंसर होने के काफ़ी खतरा रहता है। सो ये वायरसेस कैसे फैलते हैं? हेपेटाइटिस ए जो है हमारा फीको ओरल रूट से फैलता है, और अनहाइजीनिक जगह से खाना खाने से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है और सी जो है वो आप ब्लड से, आपकी बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है, कंटामिनेटेड नीडल से, टैटू से, बॉडी पियर्सिंग से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मदर टू बेबी से हो सकता है। देन आपके ड्रग्स मीन्स आपकी मेडिकेशन, एलोपैथिक
मेडिकेशन तो आपको नेगेटिवली अफेक्ट करती ही करती हैं, एज वेल एज कुछ आपकी मेडिसिंस हर्बल्स ऐसी होती हैं, हर्बल मेडिसिंस होती हैं जो आपका लिवर ख़राब करती हैं. कैम्फर है, बेरुबटका है, कैन डैमेज योर लिवर. वाइल्ड मशरूम्स हैं, कैन डैमेज योर लिवर. अगर आपको मॉल न्यूट्रिशन है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन प्रोटीन विटामिन डी एक्स्ट्रा की कमी होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तब भी आपका लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है. स्मोकिंग में से टोबैको और इंसेक्टिसाइड जो फार्मर्स हमारी स्प्रेज यूज़ करते हैं फार्मर्स, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, उसको स्मेल कर लेने से लीवर ख़राब हो सकता है. रोज और कीड़े मारने की जो स्प्रे जो आती है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से आपका लीवर अफेक्ट हो सकता है. जो ऐसे स्प्रेज के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. लीवर को स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप गलत चीज़ों से इनको बचा के रख सकते हैं. एक और बीमारी है जो जेनेटिक होती है आपकी बॉडी में, जिसमें आयरन एक्सेस मात्रा में ओवरलोड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोक्रेमेटोसिस, जिसमें आपका आयरन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, आयरन एक्सेस मात्रा में हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिससे लीवर डैमेज हो सकता है. और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं बट ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. सो इन द एंड व्हाट्स द कंक्लूजन, मोटापा कंट्रोल रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, गलत खाने से बचिए, कंटामिनेटेड फूड से बचिए, वायरसेस से बचिए, अल्कोहल और स्मोकिंग जो है उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए सो दैट आपके टॉक्सिन्स ईजिली निकल जाएं, और इन प्रिवेंटिव मेजर्स से आप अपने लीवर को बचाए रखिए.